तो बताया जाए क्या हम लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में। हाँ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, अबस्ट्रैक्ट क्लास सब कुछ पढ़ चुके हैं। प्रीवियस क्लास में तुम नहीं था तो इनहेरिटेंस समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के। पहले हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग। VB.NET में आप स्ट्रिंग को कैसे हैंडल कीजिएगा उस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, याद कीजिए आप, वैसे तो आप जानते हो कि स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, और स्ट्रिंग से रिलेटेड बहुत सारा प्रोग्राम आप C++ में भी बनाए होंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है आपको, स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, रिवर्स। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन यूज करते हैं। सी में भी स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन था, ठीक है, जावा में भी स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन था, आप पढ़े होंगे, याद करो, स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर क्लास, तीन तरह का क्लास होता है जावा में स्ट्रिंग को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे VB.NET में भी बहुत सारा प्री डिफाइंड मेथड है स्ट्रिंग से रिलेटेड वर्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग। माइक ऑफ रखिए। तो हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन को समाप्त कर लेंगे, अभी स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन देखने जा रहे हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। स्ट्रिंग लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है, याद करो आप जावा में स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते थे? strlength मेथड यूज करते थे, strlength सी में यूज होता था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले len फंक्शन के बारे में। len फंक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, it returns length of a string, ठीक है, len function, direct मैं example में लिख देता हूं या syntax में आप यहां पे len function और इसमें सप्लाई करोगे स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आप सप्लाई करेंगे लेंथ रिटर्न हो जाएगा।
ठीक है। और याद कीजिए जावा में, आप ही लोग बताइए, आप लोग को याद होगा स्ट्रिंग से पार्टिकुलर कैरेक्टर को रिट्रीव करने के लिए क्या यूज करते थे, कैरेट यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, बात नहीं करो अमन कुमार, यहाँ पे हम लोग मीड फंक्शन यूज करते हैं। अगर आप सेट ऑफ कैरेक्टर्स या पार्टिकुलर कैरेक्टर्स को रिट्रीव करना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग मीड फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, यूज टू, वहां पे कैरेट एक कैरेक्टर को रिट्रीव करता था और सेट ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्रीव करने के लिए जावा में क्या यूज करते थे, सेट ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्रीव करने के लिए जावा में सब स्ट्रिंग, वेरी गुड, सब स्ट्रिंग यूज करते थे। ठीक है, यहाँ पे पार्टिकुलर कैरेक्टर को भी रिट्रीव करने के लिए मीड फंक्शन ही यूज करेंगे और सेट ऑफ कैरेक्टर्स को भी रिट्रीव करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, मीड फंक्शन ही यूज करेंगे। ठीक है, यूज टू एक्सट्रैक्ट सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसका सिंटेक्स हम लोग को जानना होगा। सिंटेक्स में अगर हम यूज करें तो मीड मीट तीन पैरामीटर इसमें पास करते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है, और इसके बाद हम लोग यूज करते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स, कहां से कैरेक्टर को रिट्रीव करना चाहते हो, स्टार्ट इंडेक्स, राइट। इसके बाद कितने कैरेक्टर्स को रिट्रीव करना चाहते हो, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, राइट। इसका एग्जांपल हम लिखना चाहेंगे, एग्जाम इसको नोटपैड में लिखते हैं जी। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल लिखें और ध्यान दो, अगर यहां पर एक मैसेज है str इक्वल टू वेलकम टू PCA AKU FIP मैंने एक स्ट्रिंग रखा है और यहां पर राइट लाइन में मैंने अगर लिख दिया मिड फंक्शन और फर्स्ट पैरामीटर स्ट्रिंग है तो str, और अगर मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है, हम चाहते हैं BCA AKU फिफ्थ सेमेस्टर को रिट्रीव करना, BCA AKU फिफ्थ, तो B का इंडेक्स देखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होगा, इंडेक्सिंग 1 से यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब अगर दो ही पैरामीटर मैंने केवल स्टार्टिंग इंडेक्स दिया तो उसके बाद सारा कैरेक्टर रिट्रीव हो जाएगा, राइट, यानी इसका जो आउटपुट आएगा आपका
वो आएगा BCA AKU KIP। KIP, राइट। अगर हम इसको ऐसे लिखे, मुझे केवल BCA ही रिट्रीव करना है, तो आप लोग मुझे बताएं हम क्या लिखें। राइट लाइन मेट SDR क्या लिखा जाए, 12। कितने कैरेक्टर्स को रिट्रीव करना है? तीन कैरेक्टर को रिट्रीव करना है, थ्री देंगे जावा में, लेकिन ऐसा नहीं होता है जावा में। याद करो, अगर याद होगा आपको सब स्ट्रिंग यूज करने के लिए, तो वहां पे उसका उस स्ट्रिंग का लेंथ देते हैं, स्ट्रिंग का क्या देते हैं, लेंथ। ठीक है, तो str 12, 3। तो BCA में तीन कैरेक्टर है, तो यहां पर मैंने क्या दे दिया, थ्री, यानी इसका आउटपुट जो आएगा BCA। ठीक है, हाँ, 12 के बाद थ्री इसलिए मैंने दिया कि जो स्ट्रिंग आपको रिट्रीव करना है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, थ्री है, तो थ्री देंगे। और जावा में हम लोग लेंथ देते थे, 1 से स्टार्ट करते थे। ठीक है, यानी बी पे 12, 0 से वहां स्टार्ट नहीं, लेंथ वहां से भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता था, लेकिन लेंथ 1 से स्टार्ट करते थे। तो ऐसे लिखते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक का कहां पर पोजीशन आ रहा है, 14। तो जावा में हम लोग 12 के बाद 14 ना, आ रही बात समझ में। अब इसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। आ जाइए इसको कंट्रोल सी, सब मेन, अब इसको चेक कर लिया जाए, कंट्रोल भी डीम str एज स्ट्रिंग। ठीक है, राइट लाइन ऊपर आप इंपोर्ट कर दो, इंपोर्ट्स सिस्टम कंट्रोल भी, देखिए ये आउटपुट आ रहा है कि नहीं, कमेंट सेक्शन दे दिए। अब इसको रन कराने के लिए हम लोग को स्टार्टअप बना लेना होगा, प्रोजेक्ट कंसोल प्रोग्राम प्रॉपर्टीज, मॉड्यूल 10, कौन सा मॉड्यूल 10 रन कराया जाए, और लास्ट में की लिख दिया, रीड की, रन कराइए।
सही आउटपुट। चलिए अब इसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं। इतना ही फंक्शन यूज करके, केवल मिड फंक्शन और लेंथ फंक्शन यूज करके बहुत सारा प्रोग्राम बनाया जा सकता है स्ट्रिंग हैंडलिंग का। ठीक है, जब हम जान गए कि किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को कैसे रिट्रीव करते हैं तो अब स्ट्रिंग हैंडलिंग का सारा प्रोग्राम बन जाएगा केवल लॉजिक से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम इन vb.net टू इनपुट योर नेम आफ्टर दैट प्रिंट ईच कैरेक्टर राइट। हर कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए आपके नाम का। अगर जावा में आप इसको बनाते तो कैरेट मेथड यूज करते ना, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन हम यूज करेंगे, मीड यूज करेंगे राइट। ठीक है, तो हम लोग अब इसका कोडिंग लिखते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके बाद जो प्रोग्राम देंगे आपको बनाकर दिखाना होगा, डायरेक्ट मेन में कोडिंग करना होगा। टीम ए नेम एज अ स्ट्रिंग कॉमा और इतना ही वेरिएबल का मुझे जरूरत है, एक ही वेरिएबल। अब हम लोग इसको इनपुट ले लेते हैं, ए नेम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन और एक मैसेज दे दिए हम कंसोल डॉट राइट लाइन। इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ए नेम इनपुट हो गया। और आप लूप चलाना जानते हैं, लूप चलाने के पहले एक मैसेज मैंने दे दिया कंसोल डॉट राइट लाइन ऑल कैरेक्टर्स आर राइट। लूप लगा देंगे फॉर आई इक्वल टू वन, वन से लेंथ तक। स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या बोला है, लेन फंक्शन, और इसमें एनएम मैंने सप्लाई कर दिया। अगर नाम में 10 कैरेक्टर है तो 1 से लेकर 10 तक चलेगा। एक एक कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन। अब आप लोग को बोलना है यहाँ पे कि मीड फंक्शन में हम क्या लिखें, क्या प्रोग्राम है, किस चीज के लिए कह रहे हो। एक एक कैरेक्टर तुमको प्रिंट कराना है, क्या लिखें हम इसमें, मान लो कि ठीक है फर्स्ट पैरामीटर तो एनएम लिखेंगे, दूसरा पैरामीटर हर बार वन से ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट टाइम लूप चला तो फर्स्ट टाइम वन से स्टार्ट हुआ, फिर सेकेंड टाइम दूसरा कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए, फिर तीसरा कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए, फिर चौथा कैरेक्टर आई, वेरी गुड आई दे दिए। इसके बाद हर बार कितना कैरेक्टर प्रिंट होना चाहिए, एक बार एक ना, तो थर्ड पैरामीटर क्या होगा, वेरी गुड। रन कराइए, प्रोग्राम बन चुका है। इंटर योर नेम, आ गया ठीक है।
हाँ स्पेस हम दिए हैं तो स्पेस भी तो एक कैरेक्टर ही होता है ना। चलिए इसको लिख लीजिए और एक प्रोग्राम मुझे बनाकर आप लोग दिखाइए, सिंपल प्रोग्राम है। आप लोग का इंटरव्यू सेशन देख रहे थे लाइब्रेरी का, बहुत अच्छा लगा। अमन का, प्रतीक था, प्रिय रंजन था, राहुल बर्नवाल था, गर्ल्स में कोई नहीं थी, गर्ल्स कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे उस समय। देखिए प्रोग्राम, मुझे केवल लॉजिक केवल दिखाइए आप, यानी इनपुट लेने की जरूरत नहीं है मुझे। मुझे कॉपी में केवल लॉजिक लिखकर आप दिखा सकते हैं, और जिसको लगता है कि हम पूरा प्रोग्राम ही बना के दिखाएं तो प्रोग्राम बनाने में समय ज्यादा लगेगा, वो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस वेरिएबल डिक्लेरेशन और लॉजिक लिखा जाए। राइट ए प्रोग्राम इन vb.net, राइट ए प्रोग्राम इन vb.net टू इनपुट योर नेम, टू इनपुट योर नेम After that count, lower alphabet, upper alphabet, digit. And a special character. बनाइए, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, ठीक है, और उसमें अपर अल्फाबेट को काउंट करना है, लोअर अल्फाबेट को काउंट करना है, या स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करना है, और डिजिट को काउंट करना है। बस दिमाग कहाँ लगाना है, फोर के अंदर इफ कंडीशन में ऐसा क्या देंगे कि अपर अल्फाबेट मैच करेगा, इफ में ऐसा क्या कंडीशन होगा कि लोअर अल्फाबेट मैच करेगा, इफ में ऐसा क्या कंडीशन होगा कि डिजिट मैच करेगा, उसके बाद फोर लूप के बाहर प्रिंटिंग का काम करेंगे। और किसी भी प्रोग्राम में लॉजिक सेम होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग में लॉजिक सेम होता है।
क्यों करेक्ट ले जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करेंगे जी? काउंट करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर को एल्स पार्ट में डाल देंगे। दो तरीका से बनेगा, एक तो हम मिड फंक्शन के द्वारा एक एक कैरेक्टर रिट्रीव करके एक वेरिएबल में रखेंगे और उस वेरिएबल को इफ में मैच करा लेंगे इफ में, और फिर कैरेक्टर नहीं मैच करके उस कैरेक्टर का आस्की वैल्यू के थ्रू भी बना सकते हैं। जैसे आप सी सी प्लस प्लस जावा में अगर बनाए होंगे वही पैटर्न यहाँ पे भी यूज होगा। जब कैरेक्टर आप रिट्रीव करना जान गए मिड फंक्शन, और जब जावा में कैर एट जान गए, तब बनाने में क्या दिक्कत है? आप कैरेक्टर को कंपेयर कराओ, पापा को क्यों नहीं विश्वास हुआ था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है? पापा को कंफर्मेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं? मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं है, वो है कि कर सकता है, लेकिन इतना जल्दी तो लेट कैसे हुआ आने में क्लास? अभी वो असाइनमेंट कर रहे थे ना, इसको सिखाने और असाइनमेंट भी जमा करना होगा जी। असाइनमेंट हम ग्रुप में आज डाल देंगे। नहीं नहीं हमको याद असाइनमेंट जमा कर दीजिए, उसके बाद यूनिट टेस्ट होगा, क्योंकि इसका मार्क्स चढ़ाएंगे, जो मार्क्स आएगा वही मार्क्स अपडेट हो जाएगा एक्सटर्नल में, और मार्क्स आपको हार्ड कॉपी आकर यहाँ पे जमा करना होगा। मार्क्स ये मार्क्स नहीं, ये असाइनमेंट। आप बोले थे वाइवा लेंगे ना? क्या आप बोले थे वाइवा लेंगे ना? वाइवा लेंगे, आईवा लेने के लिए क्या बोले? आईवा तो नहीं, असाइनमेंट होगा कि असाइनमेंट और यूनिट टेस्ट का ना मार्क्स जाता है जी। नहीं सर, पिछले क्लास में बोले थे वाइवा लेंगे इसलिए। नहीं नहीं, वाइवा टर्म हम यूज ही नहीं किए हैं। वाइवा क्यों? कोई प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा है कि वाइवा लेंगे? वही मार्क्यू जो आप बोलते हैं, तुम बोल रहे हैं। आज असाइनमेंट हम इसी समय भेजेंगे, और असाइनमेंट को सबमिट करना होगा, उसके अनुसार मार्क्स अपडेट होगा। असाइनमेंट और यूनिट टेस्ट के बाद मंथली असेसमेंट क्विज होगा। अब कुछ लोग बच्चे घर पर भी होंगे, एक वीक का हम टाइम दे देंगे। आज भेजेंगे तो यानी नेक्स्ट मंडे को जमा कर देना, मंडे तक।
और जो असाइनमेंट हमारे पास पहुंचेगा उसी का मार्क्स अपडेट होगा। बना जी किसी से देखिए देखिए बना रहे हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले तो तुमको क्या क्या काउंट करना है उस चीज को देखो। अपर अल्फाबेट यू ले लिए, ठीक है, अपर अल्फाबेट हो गया, लोअर अल्फाबेट हो गया, डिजिट हो गया और स्पेशल कैरेक्टर हो गया एज इंटीजर। इतना वेरिएबल मैंने ले लिया और सभी वेरिएबल में U इक्वल टू L इक्वल टू D इक्वल टू और SP इक्वल टू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा? जीरो, राइट, ठीक है। अब यहां पे तुमको क्या करना है, इस चीज को एक एक कैरेक्टर आपको रिट्रीव करना है। रिट्रीव करके मैंने एक वेरिएबल में ले लिया और उस वेरिएबल का भी एक नाम दे देते हैं यहां पे CH एज कैर, राइट, कैरेक्टर टाइप का। और यहां पर मैंने लिख लिया CH इक्वल टू, CH इक्वल टू, ठीक है। अब यहीं पे इफ कंडीशन लिखना है और तुमको मालूम है कि कैरेक्टर कैसे कंपेयर होता है। सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू, सिंगल कोट में कैरेक्टर दोगे कैपिटल ए, ठीक है। सी में भी यही देते थे, सी प्लस प्लस में भी यही देते थे, जावा में भी यही देते थे, लॉजिकल एंड। सी एच लेस देन इक्वल टू कैपिटल जे, अगर ये मैच करेगा देन तो क्या होगा? यू प्लस प्लस, यहां नहीं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बताए थे क्या यहां पर? पाइथन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है कि नहीं होता है? कंफर्म है? क्या प्रियरंजन कुमार, पाइथन में इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है? सर, अरे सी से पढ़े हो, ठीक है, सी से पढ़े हो, पाइथन में पढ़ा था तो बोलो कि पाइथन नहीं सपोर्ट करता है? करता है पाइथन, उसका नाम भूल रहे हैं, वो फाइनल करेगा, नाम बोलो। नहीं नहीं सुबोध, हाँ सुबोध बोलो। सबसे ज्यादा आंसर देता है अभी, नहीं करता है पाइथन। क्या पाइथन इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं सपोर्ट करेगा सर? हाँ जी, तुम ऑनलाइन में है तो तुम तो सर्च करके भी बोल सकता है सर, ठीक। ऑफलाइन स्टूडेंट, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। जिस तरह से अटेंडेंस बोलते हो उस तरह से हम रिप्लाई खोजते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट का। जैसे ही बोले तो कोई बोल देता कि हाँ सर नहीं करता है। ओके सर, नया अपडेट होगा कि जो सपोर्ट चीज नहीं करता है वो अपडेट आ जाएगा, तो यही बोलना इंटरव्यू में कि सर नया नया अपडेट क्या, तो कौन नहीं जानता है जावा में प्रिंटेप काम करता है? जो नहीं पढ़ा होगा वो ना जी, नहीं पढ़े हो तो नहीं बता सकते हो। जावा में तो काम करता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटेप, हाँ जी, बहुत एक्सक्लूसिव मतलब इंटरव्यू से सब, वेरी गुड। अरे तुमको आने से पहले ही हम अमन को बता दिए हैं, लास्ट में गाना कहाँ था? पूरा लास्ट में कौन गाना गाया था? अच्छा तुम नहीं, तो गाना हम नहीं सुन, वेरी गुड। हाँ यू, अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे? एलसीप, एलसीप, फिर अब उसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे?
सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल ए एंड सी एच लेस देन इक्वल टू स्मॉल जेट देन आगे बढ़ा जाए इसमें एल प्लस प्लस ना एल प्लस सॉरी एल इक्वल टू एल प्लस वन फिर एल सी ऑफ डिजिट के लिए ना सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड सी एच लेस देन इक्वल टू नाइन देन ये भी हो गया इसमें हम डिजिट प्लस प्लस डी है डी इक्वल टू डी प्लस वन और अगर सारा कंडीशन फॉल्स है इसके बाद लास्ट कैरेक्टर सेट क्या बचा स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर का कोई रेंज नहीं ना है तो एल्स पार्ट में दे देंगे यही तो करना था जावास्क्रिप्ट में क्या तुम कह रहे हो हम रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे पास जावास्क्रिप्ट का रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ी ये सपोर्ट करेगा vb.net में जानना होगा रेगुलर एक्सप्रेशन जावा में कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करते हैं पाइथन में कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करते हैं वो देखना होगा जावास्क्रिप्ट का कब काम करेगा जब आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे काम करेंगे जावा में भी पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन है पाइथन में भी रेगुलर एक्सप्रेशन है vb.net में रेगुलर एक्सप्रेशन है और सबका यूज आपका प्रोजेक्ट में होगा प्रोजेक्ट में तो जैसे जैसे नीड होगा वैसे वैसे आपको इम्प्लीमेंट करते जाना होगा ना तो एल्स में क्या था स्पेशल कैरेक्टर एसपी इक्वल टू एसपी प्लस वन लास्ट में किसका क्लोजिंग एंड इफ बन गया अब इसी को प्रिंट करा देना है लूप के बाहर अपर अल्फाबेट इक्वल टू कॉन्केटनेशन ऑपरेटर यू कॉन्केटनेट वीबी न्यू लाइन कॉपी कर लिया जाए कंट्रोल सी लोअर अल्फाबेट डिजिट डी इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर क्या स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर देके न्यू लाइन लिख सकते हैं ना अंडरस्कोर देके न्यू लाइन आ सकते हैं ना स्पेशल कैरेक्टर ठीक है लाइन कंटिन्यूअस कैरेक्टर मस्ट बी प्रीसीडेड बाय द क्यों दे रहा है जी
ठीक है, देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर वही एरर रहा था। मैंने बताया था ना कि एक स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइन में आप लिख सकते हैं, तो देखो लिखा गया है। अब यहाँ भी जब भी तुम लाइन टर्मिनेट करोगे, एक स्टेटमेंट को मल्टीपल लाइन में लिखोगे तो अंडरस्कोर ऑपरेटर से लिखते हैं, लेकिन जहां पे अंडरस्कोर दोगे वह स्पेस के साथ दोगे ना। देखो यहाँ पर बीवी लाइन के बाद एक स्पेस दिया है ना, तब अंडरस्कोर नहीं दोगे तो एरर देगा। ठीक है, हाँ उसी में कंसीडर कर लेगा। चलिए अब इसको रन कराया जाए। कहाँ न्यू लाइन? हाँ न्यू लाइन होगा, यहाँ बैक स्लैश एन वर्क नहीं करता है। अब इसको रन कराइए, एरर है, देखिए क्या एरर है, क्या एरर। बारहवां लाइन में देखो क्या एरर है। VB.NET में ये एरर ध्यान दो। एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है VB.NET के रिगार्डिंग, याद कीजिए आप C++ जावा में कैर जो होता है वो इंटीग्रल डेटा टाइप में आता है। कैर क्या आता है? इंटीग्रल डेटा टाइप में आता है, यानी कैर के साथ आप इंटीजर टाइप में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन VB.NET उस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। यानी डायरेक्ट हम कैरेक्टर को यहाँ पे कंपेयर नहीं करा पा रहे हैं, डीम सी एच एच कैर, लेकिन ये चीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एरर दे रहा है एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड। हाँ कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी यहाँ पे तुम जानते हो यहाँ पर केवल क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप एनएम एक चीज तो हो जाएगा, अगर हम वो भी कन्वर्ट करके ASCW करके एक फंक्शन होता है VB.NET में ASCII वैल्यू के लिए ना, ASCW करके होता है, ASCW ऐसा ही कुछ होता है, लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो एक और तरीका, ये मिड फंक्शन जो होता है वह स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। मिड फंक्शन क्या रिटर्न करता है? स्ट्रिंग टाइप का, देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो हेल्प में खुल रहा है ना मिड फंक्शन, एज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्ट्रिंग, यह स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। और सी एच तुम क्या बनाए हो, सी एच आप क्या बनाए हैं, ऊपर में कैरेक्टर टाइप का बनाए हो ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे तो स्ट्रिंग टाइप यहाँ पे तो कर देंगे, मान लो कि चलो क्या था, स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग टाइप में एक कंपैरिजन इस तरह से फिर नहीं होगा।
सी एच। अब अस्टिंग, अस्टिंग हमेशा क्या होता है डबल कोट में ना, तो अस्टिंग को इस तरह से हम लोग फिर कंपेयर रिलेशनल ऑपरेटर के साथ ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, ये चीज गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो सी एच में तो ये आ चुका यहाँ पे। क्या तो हर बार के उससे क्या मतलब है, उससे क्या मतलब, वो तो और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, हर बार मिड मिड फंक्शन लिखना पड़ेगा। कन्वर्ट कर दो तब, अगर एक चीज और हम यहाँ पर लिखने के लिए बोल रहे थे, जैसे ASCII वैल्यू का रेंज क्या है, कैपिटल ए टू जेड का ASCII वैल्यू क्या होता है, 65 से लेकर बोलो 97, ठीक है, देखो 97 बोल दिया, गलत करवा दिया, 65 से लेकर 90 होता है ना जी अपर का, और स्मॉल का क्या होता है 97 से लेकर, नहीं याद है तुम लोग को, ASCII वैल्यू भी नहीं याद है, 122, ठीक है, यहां पे आ जाओ, इसमें चलो, डिजिट का होता है तुम्हारा 48 से लेकर 57 तक, 57 तक, ठीक है, राइट। अब यहां पे इसको एज ए कैरेक्टर अगर हम ले ले तो क्या दिक्कत है, कैर कैरेक्टर और सी एच एज ए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, इंटर योर नेम नीरज 123, ये दे दिया। अब देख लो क्या है इसमें, उसको प्रिंट, अच्छा मैसेज बॉक्स आएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग आ गया, एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर दे रहा है क्योंकि एनएम हमारा यहाँ, सीएच हमारा क्या है स्ट्रिंग टाइप का ना, तो एक्सेप्शन कन्वर्ट हो, देखो एक्सेप्शन जेनरेट हो गया, कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू टाइप डबल इज नॉट वैलिड, कैर कैर, और यहां पे अगर हम इसको या फिर इसको ऐसे कन्वर्ट कर ले इंटीजर, और यहां पे वो फंक्शन लगा दे ए एस सी वाला, ए एस सी, ठीक है, ये किस तरह का वैल्यू रिटर्न करता है देख लो, सिंडे इंटीजर टाइप का ना, इंटीजर टाइप का,
अब इसको हम लोग एक बार रन कराते हैं, अब रन कर जाना चाहिए क्योंकि जो मीड फंक्शन से कैरेक्टर रिट्रीव हो रहा था उसको हम लोग ऑलरेडी यहीं पे क्या कर दिए, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिए। ASCII वैल्यू तो इंटीजर वैल्यू ही होता है ना, यही C++ जावा में हम लोग को करने का जरूरत नहीं था। आ गया, लेकिन अपर अल्फाबेट लोअर अल्फाबेट तो सही दिया 5, अपर अल्फाबेट में 1 आना चाहिए था। आउटपुट देखो डिजिट क्या है, 3 डिजिट है। स्पेशल कैरेक्टर कितना है, 3 है। अपर अल्फाबेट केवल सही गलत अपर अल्फाबेट में 0 दे रहा है। अपर अल्फाबेट खाली एस दिया है, एन है ना, एन तो मैंने कैपिटल इंटर किया है। अब वो गलत था ही, देखो सही आउटपुट आ गया। अपर अल्फाबेट क्या दिया, 5, नीरज 3, 3, 6, 5 ही दे रहा है, एक कम क्यों दे रहा है। लोअर अल्फाबेट 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट में पहला कैरेक्टर को छोड़ दे रहा है, क्यों 65 से लेकर 65 से ये स्टार्ट ही होता है। स्पेशल छोड़ दे रहा है 1, 2, 3, 4 और एक करेक्ट दो, ठीक तो है, दो स्पेस है ना। CH greater than equal. चलिए देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसका। यहाँ पे कुछ नहीं अभी यूज किया गया है, ठीक है, अभी अटेंडेंस बनाना है, नेक्स्ट क्लास में फिर देखते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन मैं बताऊंगा, देखो ध्यान दो, ASCII है, ठीक है। इस फंक्शन का काम क्या होता है, कैरेक्टर वैल्यू को ASCII वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। और CH मैंने किस टाइप का लिया है, इंटीजर टाइप का, ठीक है। और यहाँ पे इंटीजर वैल्यू में मैंने रेंज दे दिया है, अगर इस रेंज को सपोर्ट करेगा तो अपर केस इंक्रीज करेगा, अगर इस रेंज को सपोर्ट करेगा तो लोअर केस इंक्रीज करेगा, फिर डिजिट और बाकी क्या स्पेशल कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्या मिल रहा है कि अपर कैरेक्टर एक कम काउंट कर रहा है, क्यों, यहां मतलब अपर कैरेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर वन जीरो, तो वन एक बार देख लेते हैं प्रिंट करा के इसको कि कंसोल पे प्रिंट कर रहा है ना, कंसोल डॉट या फर्स्ट कैरेक्टर को इग्नोर कर दे रहा है। राइट लाइन किसको प्रिंट करेंगे, CH को, कैरेक्टर फॉर्मेट में CH तो वहां कन्वर्ट हो चुका है। तो एक और फंक्शन मैं बता ही देता हूं, अब ASCII वैल्यू को कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे, उसके लिए CHRW होता है ना, देखो यहाँ पर CHRW और इसमें हम पास कर देंगे CH। अब एक बार रन करा के देखते हैं, इंटर योर नेम, अपर अब आ गया सही, नहीं अपर अल्फाबेट 2 है,
प्रिंट तो कर रहा है सारा, एन कैपिटल है और कुमार का के कैपिटल है, लेकिन अपर अल्फाबेट एक दे रहा है, लोअर डिजिट सही दे रहा है, डिजिट थ्री स्पेशल कैरेक्टर तीन दे रहा है। आप लोग सोचिएगा क्यों ऐसा हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। नोटपैड अभी दो फंक्शन मैंने बताया था, एक लेन फंक्शन है और एक मिड फंक्शन है। हाँ क्या क्या तुम बोलते रहता जी, क्या बोल रहे हो? चलो यहाँ से कोई ले लेना किसी स्टूडेंट से, मीटिंग अनलॉक नहीं करेंगे। आइए अब अटेंडेंस बनाते हैं। सर इनहेरिटेंस वाला पीडीएफ नहीं सेंड किया? अच्छा आज कर देंगे, ध्यान नहीं था।